नमस्कार दोस्तों, मैं कविता। आज मैं अपने चैनल के द्वारा महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर का दर्शन करवाती हूँ। महालक्ष्मी मंदिर भारत के देश में हिंदू धर्म के अनुसार पुराणों में सूचित किया हुआ मंदिर शक्ति पीठों में से एक है और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है। इन पुराणों के अनुसार शक्ति पीठों में शक्ति माँ उपस्थित होकर जन कल्याण के लिए भक्त जनों का परिवारण करती है। भारत में स्थित 6 शक्ति पीठों में कोल्हापुर में स्थित शक्ति पीठ बहुत ही प्रसिद्ध है। श्री महालक्ष्मी मंदिर भारत के देश के हिंदू धर्म के अनुसार पुराणों में सूचित किया हुआ विभिन्न शक्ति पीठों में से एक है और महाराष्ट्र में के कोल्हापुर में स्थित है। इन पुराणों के अनुसार शक्ति पीठों में से शक्ति माँ उपस्थित होकर जन कल्याण के लिए भक्त जनों का परिपालन करती है। भारत में स्थित 6 शक्ति पीठों में कोल्हापुर में स्थित शक्ति पीठ बहुत ही सुप्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ जो भी अपने विचारों को प्रकट करता है वो तुरंत माँ जी के आशीर्वाद से पूरा हो जाता है। श्री महालक्ष्मी मंदिर भारत के देश हिंदू धर्म के अनुसार पुराणों में सूचित किया हुआ विभिन्न शक्ति पीठों में से एक है और महाराष्ट्र में कोल्हापुर में स्थित है। इन पुराणों के अनुसार शक्ति पीठों में शक्ति माँ उपस्थित होकर जन कल्याण के लिए भक्त जनों का परिपालन करती है। भारत में स्थित 6 शक्ति पीठों में कोल्हापुर में स्थित शक्ति पीठ बहुत ही सुप्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ जो भी अपने विचारों को प्रकट करता है वो तुरंत माँ जी के आशीर्वाद से पूरा हो जाता है। वह उस व्यक्ति मुक्ति पाकर उसका जन्म सफल हो जाता है। भगवान विष्णु के पति होने के नाते इस मंदिर का नाम माता लक्ष्मी से जोड़ा हुआ है और यहाँ के लोग इस जगह में महाविष्णु महालक्ष्मी के साथ निवास करते हुए लोग परिवर्तन करने का विश्वास करते हैं। श्री महालक्ष्मी मंदिर भारत के हिंदू धर्म के अनुसार पुराणों में सूचित किया हुआ विभिन्न शक्ति पीठों में से एक है और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है। इन पुराणों के अनुसार शक्ति पीठों में शक्ति माँ उपस्थित होकर जन कल्याण के लिए भक्त जनों का परिपालन करती है। भारत में स्थित 6 शक्ति पीठों में से कोल्हापुर में स्थित शक्ति पीठ बहुत ही सुप्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ जो भी अपने विचार प्रकट करता है वो तुरंत माँ जी के आशीर्वाद से पूरा हो जाता है। भगवान विष्णु के पति होने के नाते इस मंदिर का नाम माता लक्ष्मी के नाम से जोड़ा हुआ है और यहाँ के लोग इस जगह में महाविष्णु महालक्ष्मी के साथ निवास करते हुए लोग परिवर्तन करने का विश्वास करते हैं। कन्नड़ के चालुकुल्य सम्राट के समय में यह करीब 8 एकड़ मंदिर का निर्माण होने का अनुमान किया गया है। एक काला पत्थर मंच पर देवी माँ लक्ष्मी के 4 हस्तों वाली प्रतिमा सिर पर मुकुट पहने हुए बनाया गया है और गहनों से सजा हुआ मुकुट लगभग 40 किलोग्राम वजन का प्रदर्शन है। काले पत्थर में निर्मित माँ लक्ष्मी की प्रतिमा की ऊंचाई करीब 3 फीट है। मंदिर के एक दीवार में श्री यंत्र पत्थर पर गोद कर इसका चित्र बनाया गया है। देवी की मूर्ति के पीछे देवी का वाहन शेर का एक पत्थर में बना प्रतिमा भी मौजूद है। देवी के मुकुट में भगवान विष्णु के शेषनाग नाग का चित्र भी रचाया गया है। देवी माँ लक्ष्मी के चारों हाथों में अलमूल्य प्रतीक वस्तुओं को पकड़ाते हुए दिखाया गया है। निचले दाहिने हाथ में नींबू फल धारण किए कटे फल, ऊपरी हाथ में गदा के साथ बड़े कोलमंदी जो अपने सिर पर जमीन के ऊपर छुए हुए हैं, ऊपरी दाई हाथ में एक ढाल और निचले बाएं हाथ में कटोरे यानी कि पान पत्र देखे जाते हैं। अन्य हिंदू पवित्र मंदिरों में देवी की पूजा पूर्व या उत्तर दिशा को देखते हुए मिलते हैं, लेकिन यहाँ देवी माँ लक्ष्मी पश्चिम दिशा को निरीक्षण करते हुए मिलाते हैं। वहाँ पश्चिम दीवार पर एक छोटी सी खुली खिड़की मिलती है। इसके माध्यम से सूरज की किरणें हर साल मार्च और सितंबर महीनों के 21 तारीख के आसपास 3 दिनों के लिए देवी जी के मुख मंडल को रोशनी करते हुए इनके पद कमलों में शरण प्राप्त करते हैं। इसके माध्यम से सूरज की किरणें हर साल मार्च और सितंबर महीने की 21 तारीख के आसपास 3 दिनों के लिए
देवी जी के मुखमंडल की ओर रोशनी करते हुए इनके पद कमलों में शरण प्राप्त करते हैं। नित्य पूजा, इस मंदिर के प्रत्येक रोज भगवान की प्रति 5 सेवा प्रतिबंध लाभित है। पहले सेवा सुबह 5 बजे शुरू होकर कांडगत दिया जलाते हुए भक्तजन भजन करते हुए पुजारी लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान को सुप्रभात गाना बजाकर जगाते हैं। दूसरी पूजा 8 बजे शुरू होती है। भगवान का सोना डोब चारा पूजा करते हैं। इससे भगवान को 16 तरह के उपचार करके पूजा किया जाता है। तो पैर में भी सेवाएं होती है, शाम को भी सेवाएं होती है और सुजारी पूजा तीसरी पूजा व्यतीत होता है, रात में मनाया जाता है। नित्य पूजा, इस मंदिर में प्रत्येक रोज भगवान के प्रति 5 सेवाएं प्रतिबंध है। पहली सेवा सुबह 5 बजे शुरू होता है। कांड का दिया जलाते हुए भक्तजन भजन करते हुए पुजारी लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान को सुप्रभात गाना बजा के जगाते हैं। दूसरी पूजा 8 बजे शुरू होती है। भगवान को सोना डोब चारा पूजा करते हैं, जिसमें भगवान को 16 तरह के उपचार करके उनको पूजा किया जाता है। दोपहर में भी सेवाएं होती है, शाम को भी सेवा होती है और सुजारती पूजा तीसरा पूजा विधिक रूप है, रात में इनको मनाया जाता है। इस मंदिर के प्रत्येक रोज भगवान के प्रति 5 सेवाएं प्रतिबंध है। पहले सेवा सुबह 5 बजे शुरू होता है। कांड का दिया जलाते हुए भक्तजन भजन करते हुए पुजारी लोग वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान को सुप्रभात गाना बजाकर जगाते हैं। सुबह 8 बजे दूसरी पूजा शुरू हो जाती है। भगवान को सोना डोब चारा पूजा करते हैं, जिसमें भगवान को 16 तरह के उपचार करके उनको पूजा किया जाता है। दोपहर में भी सेवा होती है, शाम को सेवा होते हैं और सुजारती पूजा तीसरा पूजा विधिक होता है, रात में मनाया जाता है। प्रत्येक पूजा क्रम, हर शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन देवी जी की उत्सव प्रतिमा मंदिर के प्राकार में जुलूस के रूप में मंदिर को 3 बार प्रतिष्ठित करते हुए ले जाते हैं। तो और मानव जाति का जीवन शैली और सौभाग्य के साथ मिले जेलू है। और यहाँ आश्चर्य की बात नहीं है कि सूरज के किरणें भी माता लक्ष्मी के चरण कमलों को छूते हुए हर साल 2 बार निकल जाते हैं। कोल्हापुर में श्री लक्ष्मी मंदिर निर्माण करते वक्त इस अत्यंत दृश्य को स्वाभावित करने के लिए हम इस मंदिर को बनाने, तो हर मानव जाति का जीवन रोशनी और सौभाग्य के साथ मिले जुले हैं। और यहाँ आश्चर्य की बात नहीं है कि सूरज की किरणें भी माता लक्ष्मी जी के चरण को छूते हुए हर साल 2 बार निकल जाते हैं। कोल्हापुर श्री महालक्ष्मी मंदिर निर्माण करते वक्त इस अत्यंत दृश्य को स्वाभाविक करने के लिए हम इस मंदिर को बनाने वाले की खूब तारीफ करना चाहिए। उन्होंने इस मंदिर को ऐसा बनाया कि सूरज की रोशनी देवी जी के पद कमल स्पर्श करते देवी जी के अंदर करते हैं। किरणों स्तंभ से इन विशेष घटना को देखने के लिए भारत के कोने कोने से हर साल हजारों लोग मनाने के लिए कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर पर पहुंच जाते हैं। हर साल यह त्यौहार शाम में निम्नलिखित दिन पर मनाया जाता है, जनवरी 31 फरवरी से 1 फरवरी 2 फरवरी और नवंबर। हर साल यह त्यौहार शाम में निम्नलिखित दिन पर मनाया जाता है, जनवरी 31 फरवरी 1 फरवरी 2 और नवंबर 9 10 नवंबर 11 नवंबर। यहाँ कहा जाता है कि सूर्य भगवान हर साल 2 बार महालक्ष्मी जी के चरण छूकर पूजा करके अंदर करने के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ कहा जाता है कि सूर्य भगवान हर साल 2 बार महालक्ष्मी के चरण छूकर पूजा करके अंदर के लिए पहुँच जाते हैं। रथ शताब्दी के अवसर पर इस घटना संभावित है। लगभग हर साल जनवरी के माह में ऐसा होता है। यह 3 दिन के लिए मनाया जाता है। पहला दिन सूरज की किरणें देवी जी के पैरों पर गिरती है, दूसरे दिन देवताओं के मध्यम भाग को छूते हैं और तीसरे दिन देवी जी के मुख मंडल को रोशनी करती है, जो कि हर अद्भुत दृश्य है। हजारों साल पहले यही ऐसी रोज विचार करके जिन लोगों ने इस मंदिर को बनाया,
उनके श्रद्धा और विचारों का यह एक अनमोल भेंट है जो आज भी लोग बहुत प्रसन्न करके लायक है। पेशावों के राज्यपालन के समय के दौरान भी उनके परिवार मंदिर की मरम्मत और पूजा करने में बहुत हिंसा दिखाया। हालांकि भारत में कई हमलों होने के कारण सुंदर मूर्तियां जो मंदिर के चारों ओर दिखने पेशावों के राज्यपालन के समय के दौरान में भी उनके परिवार मंदिर की मरम्मत और पूजा करने के बहुत हिंसा दिखाया हालांकि भारत में इस भाग में कई हमलों होने के कारण सुंदर मूर्तियां जो मंदिर के चारों ओर देखने मिलते हैं उनको नुकसान होने का भी कारण है। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता। आज मैंने आपको अपने चैनल के म्यूजिक इंडिया टीवी चैनल के द्वारा महालक्ष्मी कोल्हापुर के दर्शन करवाए। मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में किसी और मंदिर के दर्शन करवाऊंगी।